हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर गुड। तो अभी देखो हो चुका है सुबह और मैं हो चुकी नहा धोकर के रेडी, और ये मैंने सुंदर सा वाइट कलर की कुर्ती पहना है जो कि मेरे को बहुत पसंद है, और ये है नायरा कट वाला कुर्ती। तो ये मैं जब भोपाल गई थी तब तो मैंने लिया था और मेरे को बहुत पसंद है। तो आज है एक शादी जहाँ मैं जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको कैरी किया है। तो वो जो शादी है ना, वो मेरे मामा के घर है और मेरी बहन का है, मामा की बेटी का है। तो जबकि वो मेरे से छोटी, फिर भी उसका शादी हो रहा है, तो मतलब हाँ हो ही रहा है, तो वहीं पे जाना है। और अभी आने वाला है गाड़ी, थोड़ी देर में मौसी आने वाली है, फिर मौसी के साथ हम लोग जाएंगे मामा के घर, और उसके बाद देखो क्या क्या होता है। फिर अभी रहना नहीं है क्योंकि आज ही शाम में बारात है और उसके बाद कल रिटर्न भी हो जाना है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मिलते हैं आगे। तो गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये बीच में पड़ा था मंदिर, तो भाई मैं प्रणाम कर रही थी, और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे मेरा मामा का घर मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। और ये देखो, ये है नदी, इसको कोयल नदी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस करके अपने मामा के घर जाते हैं, और यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। और गर्मी इतना है, इतना ज़्यादा है ना कि पूछो मत, और वही लू भी चल रहा था, इसकी वजह से मैंने दुपट्टा सर पर रख लिया था। और वैसे मतलब मेरे को गाँव की शादी में जाना था, पहुँच चुके हम लोग मामा के घर, यहाँ पे मामी मम्मी का पैर धो रही थी, और उसके बाद फिर हम लोग पहले यहाँ से, उसके बाद जहाँ पे शादी वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे मैं यहाँ की भगनी थी, इसके लिए मेरा पैर पूजा जा रहा था। और अब यहाँ पे पहले बारात तो है ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जनेऊ भी हो रहा था। तो मतलब यहाँ की शादी में किसी की शादी होता है तो उसमें जनेऊ भी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ जिसका शादी होगा, अगर मतलब मेरे भाई का अगर शादी होगा तो उसी की शादी में ही उसका जनेऊ होगा, मेरे शादी में उसका नहीं हो सकता, पर यहाँ मामा घर ऐसा नहीं, यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर भी चल रहा था जनेऊ, और ये भी मेरा छोटा भाई लगता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर देखो बाल टेक रही थी। तो उसके बाद अभी देखो जनेऊ का प्रोसेस बहुत लंबा था, इतना धूप था कि पूछो मत, मतलब मेरा पूरा फैशन तो ऐसे पानी में चला गया था। और यहाँ पे अब कट रहा था बाल उसका, और हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे बाल लेने के लिए। तो ये भी एक रस्म होता है, बहुत लोगों को पता होगा ये। तो यहाँ देखो अभी ये फंक्शन हो रहा है, उसके बाद शाम में बारात आएगा। वैसे मौसम भी आज का ख़राब है, मतलब कभी धूप है और बहुत जगह आंधी पानी वगैरह भी आ रहा था। तो यहाँ पे अब देखो ये पहले ये रस्सी का जनेऊ पहनाया जाता है, उसके बाद फिर कुछ कुछ और रस्म होगा, फिर नहलाया जाएगा, फिर ऐसा इसमें होता है कि ऐसे ये गुस्सा होकर के जाएगा, फिर इसको मनाने के लिए पीछे जाएगा, और इसमें हाँ ये खड़ाऊँ पहना जाता है। तो अब देखो ये पहले गोल गोल घूमेगा, फिर उसके बाद नहाएगा, पता नहीं इसमें कुछ कुछ होता है। अब यहाँ पे इसका बाल छिल रहा है, और छिलने के बाद अब उसके बाद देखो यहाँ पे चुमावन होता है। मतलब जनेऊ में ना शादी का छोड़ कर रस्म बाकी हर चीज़ हो जाता है, हल्दी वगैरह सब रस्म हो जाता है इसमें, चुमावन वगैरह सब। तो यहाँ पर अभी चुमावन चल रहा था, और ये देखो मतलब यहाँ पे प्रॉपर जो शादी है ना पूरे गाँव वाले तरीके से पुराने रीति रिवाजों से हो रही थी। तो ये भी चीज़ अब उतना देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अब ये रेडी हो चुका है, अब यहाँ पर ये भीख मांगेगा, और भीख मांगने के बाद उसके बाद थोड़ा गुस्सा जाएगा, फिर उसको मनाने जाता है, ये सब रस्म होता है। और अब हो चुका था शाम, और मैं यहाँ पे लहंगा वहंगा पहन के आ गई थी, पर इतना धूप था और गर्मी था ना कि बिल्कुल चेहरा डल लग रहा था, एकदम जो ग्लो था वो ख़त्म हो गया था, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपना फेस। और इधर देखो यहाँ पे मम्मी वगैरह सब बैठ के गीत वगैरह गा रहे थे, कुछ लोग बैठ के बस इन्जॉय कर रहा था, और इतना गर्मी था कि लोग ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद अब देखो बारात आने में लेट था, क्योंकि पेड़ वगैरह गिर गया था और उसको साइड करने में लेट हो रहा था, और बारात आते आते ना पूरा एक बज गया था, क्योंकि इतना आंधी तूफान आया था, पर इधर नहीं आया, इधर एक आध बूंद आकर के रुक गया था। तो ये बहुत अच्छी बात थी यहाँ के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा घर था ये लोग का, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा बर्बाद हो जाता फंक्शन, और वैसे भी पूरा टेंट वेंट बिखर जाता। तो ये बहुत बड़ा मतलब नुकसान होने से बच गया। उसके बाद ये देखो अब आया फाइनली बारात, तो अब दुअर पूजा लगेगा। दुअर पूजा आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है। तो अब ये आ चुका है दुल्हा, तो अब उसके बाद यहाँ होगा दुअर पूजा, उसके बाद यहाँ पे वो जयमाला वगैरह कोई रस्म नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि शादी पूरे पुराने रीति रिवाज से हो रही है। अब यहाँ पे जो लड़की है ना उनका हल्दी उतर रहा है, और हल्दी उतरने के बाद, और इसका शादी हो रही है, मेरे से छोटी है, मेरी बहन लगती है। और उसके बाद अब यहाँ पे हो रहा है इमलो, इमलो घुटाना जानते हैं ना, जो भाई लोग घुटाते, वहीं पे यहाँ पे चल रहा है, भाई और भतीजा मिलकर के घुटाते हैं। तो ये रस्म के बाद यहाँ पे हो रहा है चुमावन और लड़की का, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको तैयार व्यार किया जाएगा। तो अब ये देखो यहाँ पर तैयार करने का काम मेरा था, तो मैंने इसको तैयार किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई थी नहीं, तो मेरे को बोला गया कि भाई तुम ही कर दो, तो इसलिए मैंने कर दिया, मेरे को जितना आता था मैंने कर दिया, और मतलब बहुत सुंदर ही दिख रही थी।
तो अब यहाँ देखो, अब हो रहा था यहाँ पर फोटोग्राफी और अब आ चुके हैं आंगन में और यहाँ पे शादी हो चुकी है शुरू। और ये देखो सब बैठे हुए हैं आंगन में और मड़वा वगैरह सजाने का भी काम मेरा ही था, मैंने किया था थोड़ा बहुत हेल्प, मैंने बलून फुलाया था, बाकी लोगों ने और काम किया था। तो ये देखो अब यहाँ पर चल रहा है शादी और भाई पूरा फंक्शन होने में लेट होता है, पर शादी तो तुरंत ही हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक घंटे डेढ़ घंटे में शादी पूरी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे अब लावा छटा रहा है और मतलब यहाँ पे ऐसे ही सात फेरे हो जाते हैं, यहाँ पे घूम घूम कर सात फेरा नहीं होता है। तो अब ये देखो शादी लगभग हो ही चुका है कम्प्लीट, अब ये लावा छटा रहा है, लावा छटाने के बाद देखो आगे क्या होता है। तो मैं भी बैठ के ना पूरा रस्म रीति रिवाज देख रही थी। तो अभी यहाँ पे ये चल रहा है, उसके बाद ये देखो ये जो है ना गमछी जो भी बोलो इसी में लावा रखे, इसे घुमा दिया था सात बार, पर ये मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो गोल गोल घूमने वाला ही अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे हो रहा सिंदूरदान जो कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैं बस ऊपर ऊपर से ऐसे वीडियो शूट कर ली थी। तो यही है दूल्हे राजा और फाइनली हो चुका है यहाँ पर शादी। और यहाँ पे अब वो चढ़ रहा है गहना जो भसुर चढ़ाते हैं, गहना कपड़ा जो भी है हर चीज़ यहाँ पे चढ़ रहा है। उसके बाद देखो आगे और क्या बचता है, मैं सोच रही थी कि भाई अब इतना जल्दी शादी ख़त्म हो गया क्या, क्योंकि सिंदूरदान होने के बाद तो ऑलमोस्ट शादी ख़त्म ही हो जाता है। तो वही हो गया था और यहाँ पे हो चुका था सुबह और हो गया था शादी और विदाई होने में लेट हो गया था क्योंकि बारात ही लेट से आया था इसके वजह से। तो गाइज़ ये था शादी, फाइनली हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।